कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कहानी है मुमरा शहर की। आप देखेंगे ये पीछे, ये मित्तल के सामने का रोड है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर काफ़ी सियासत हुई, MIM पार्टी के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए और भी कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर राजनीति की कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए। लेकिन देखेंगे आप, कुछ दिन यहाँ पर कचरा डालना बंद किया गया, उसके बाद अब यहाँ पर फिर कचरा रोड के किनारे डंप किया जा रहा है। सुबह से शाम हो गया लेकिन अभी तक यहाँ से कचरा नहीं हटाया जा रहा है। हराम हो गया, ये इन लोगों ने जीना हराम करके रख दिया, सांस लेना हराम है, घर में बच्चे बीमार है, हम लोग बीमार है, हाथ जोड़ जोड़ के इनके आगे थक गए, चिल्ला के गाली दे के थक गए, ये किसी को नहीं गिनते। बोले नगर सेवक हमारे है, सारा कॉरपोरेटर हमारा है, सब हमारा है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये पूरी दादागिरी करते हैं। ये रोड पे देख रहे हो, सुबह से शाम तक हम रोज़ बीमार होते हैं, रोज़ दवा लेते हैं। यहाँ रहने वालों के सबके मुँह हाल हो गया है, हमारी ऑफिस है सामने, हमको सांस लेना दुहार हो गया है, यहाँ से गुजरने वाले लोग मुँह पे हाथ रख के गुजरते हैं और इनसे परेशान हो चुके हैं। और न्यूज़ भी बहुत सी बनी है मगर कोई एक्शन होता नहीं है यहाँ पे। ये लोग खेल खेलते हैं, वहाँ पर तनवर पे बंद करेंगे, यहाँ चालू करेंगे, अभी वो कब्रिस्तान के रास्ते पे है। रोड लेने वाले, वहाँ के मोहल्ले वाले, रहने वाले सब बीमार हो रहे, बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, कलवा में सब एडमिट है, वहाँ के सारे बच्चे। वहाँ से आदमी एक सेकंड गुजरता है तो उसको सांस नहीं ले पाता आदमी। अभी ये मेन रास्ता है यहाँ से आने जाने वाले, पानी का लाइन है। ये टीवी का मरीज नहीं बनेगा आदमी तो क्या बनेगा। यहाँ पे पानी भी लीकेज है, पाइप भी लीकेज है यहाँ पे। ये आदमी मरीज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। सबको खाली पैसा चाहिए। सोशल वर्कर लोग कहाँ है, ये सब चीज़ में नहीं दिखता है। जहाँ पैसा मिलता है वहाँ दिखता है सोशल वर्कर लोग को, ये सब कौन देखेगा। सिर्फ राजनीति यहाँ पर हो रही है, कचरा डंप यहाँ पर रोज हो रहा है, बीमारी फैल रही है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर, आप चल दिखाइए, ये पूरी रहवासी इलाका है यहाँ पर। यहाँ से इतनी गंध आ रही है कि जो यहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं वो अपना नाक बंद करके यहाँ से आते जाते हैं। ये कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, सुबह से शाम हुआ, देखेंगे कि सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना यहाँ के विधायक को कुछ पड़ी है, ना यहाँ के नगर सेवकों को कुछ पड़ी है, ना यहाँ के जो समाज सेवक हैं उनको कुछ पड़ी है, कोई भी इसके लिए जो है। किधर है सभी से, किधर है शिवसा शाखा बहु, एक ही शाखा एक ही सब बहु, सभी से किधर है, हाँ सभी से किधर है, सभी से किधर है। आप देखेंगे कि ये रोड का मेन रास्ता है और मेन रास्ते पर ही यहाँ पर कचरा इसी तरह के तरीके से जो पड़ा रहता है। और MIM पार्टी के लोग जब कुछ दिन पहले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए थे, उसके बाद यहाँ पर ये बनाकर दिया गया था गार्डन कि अब यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा, और गार्डन बना के दिया गया था। ये गार्डन का हाल देखें आप, ये गार्डन भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा। उसके बाद महानगर पालिका की तरफ से सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर लाकर रखा गया है। ये देखेंगे आप कि सार्वजनिक शौचालय है ये, और शौचालय के बाहर ही यहाँ पर कचरा जो है डाला गया है, पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ पर जो अब तस्वीरें आपके सामने है, और कुछ ही दूर पर यहाँ पर देखेंगे कि शिवसेना शिंदे गुट की जो है शाखा यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है, अभी उसका काम चालू है। शाखा के नज़दीक ही ये हाल है कि यहाँ पर कचरों का डंप है। ये देखेंगे सब जो चिकन मटन की दुकानें हैं वहाँ से जो कचरा निकल रहा है, देखेंगे ये जो वेस्टेज पार्ट वगैरह सब रहता है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, और लोग जो आते जाते हैं वो यहाँ से नाक बंद करके आ रहे जा रहे। देखेंगे मेन रोड का रास्ता है, जो मुमरा शहर से बाहर के आने जाने वाले लोग हैं
वो देखते हैं कि मुंब्रा शहर में इस तरह से रास्तों पर कचरा, कुछ लोग तो मुंब्रा को बोलते थे कि संघाई बना दिया गया है। तो संघाई बनाने वालों को भी देखना चाहिए कि क्या हालत बना कर रख दिए। क्या बताएंगे आप लोग, जो कचरा यहाँ पर रोड पर डाला जा रहा है, आ रहे जा रहे, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर, उन नेताओं को भी शर्म नहीं आ रही है? क्या बताऊँ भाई मैं, क्या बताएंगे, तकलीफ नहीं है आपको? है ना, क्यों नहीं है, चलना भारी पड़ता है, बताइए ना। बहुत तकलीफ है, अभी ये सब गंदगी है, बाहर से बीमारी बढ़ती है, बहुत कुछ होता है। अभी आप लोग भी जो है इन सब मसलों से थोड़ा बोलने के लिए बचते हैं, कतराते हैं, वह बोल नहीं सकते। क्या, क्यों नहीं बोल सकते? आप देखेंगे कि कचरा यहाँ पर लाकर फेंका जा रहा है। भाई यहाँ पर कचरा ऐसे ही रोड पर फेंक दे, थोड़ा अंदर फेंकने का, इधर पे रहता रास्ता है, मेन रास्ते पे लाके आप रख दिए। हाँ ठीक है, देखेंगे ये हाल है मुंब्रा शहर का। लोग बोलते हैं, और भी लोग हैं, देखेंगे ये। और ये कहीं ना कहीं जो है एनसीपी पार्टी में भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं आप। क्या कहेंगे इस तरह से कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है? बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, इतनी गंदगी कि जिससे बीमारी की वजह बन सकती है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और जिस तरीके से आपने कहा, मैं कोई पार्टी लेवल से नहीं हूँ, मैं एज ए एंकर के बेस पर काम करता हूँ हर जगह पर, लेकिन कचरे को देखकर आप खुद देख सकते हैं कितना रोड पर आ गया, रोड के बाहर कोई उठाने वाला भी नहीं है। ये तो अब कैसा है, जो अभिषेक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने आया है, तो फिर म्यूनसिपाली कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेना चाहिए। उन्हें टैक्स लेते हैं, मुंब्रा की जनता से टैक्स जाता है, हर चीज़ का टैक्स वसूला जाता है, तो फिर जनता ही परेशान होती है। नहीं, बेशक ये साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जैसे जैसे म्यूनसिपाली कर्मचारी है, मेरे ख्याल से मुंब्रा पे भी थोड़ा जिम्मेदारी, इस पर आवाज़ उठाने का, बेशक 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 ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, और स्पेशली मुंब्रा वालों की भी जिम्मेदारी ज़्यादातर बनती है कि कचरे को लेकर वो भी मुद्दा उठाए ज़रूर। और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्या बताएंगे, जिस तरह से कचरा रोड पर पड़ा हुआ है, आने जाने में तकलीफ हो रही है। माफ करिए, नाक बंद करके जा रहे हैं ना, बदबू आ रहा है, क्या तकलीफ है बताइए? बहुत बदबू आ रहा है, गंदा आ रहा है, क्या बोलूँ मैं, आप क्या बोलूँ, तकलीफ है ना? हाँ तकलीफ है, बहुत। वोट देते हैं? वोट देते हैं? नहीं नहीं, वोट नहीं देते। हाँ वोट, हाँ वोट देते हैं, वोट देते हैं ना। हाँ तो नेताओं को नहीं पूछेंगे कि हम वोट देते हैं आपको, तो कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है? नहीं जी, मैम से देखो, नेता भी एक आ गई है यहाँ पे, नेता से भी पूछते हैं, आप भी आइए ना, आप वोट देते हैं ना, तो आपको पूछना चाहिए ना। हम लोग कलकत्ते से आए हैं, हमको कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे संजय नगर में रहते हैं। अच्छा, आप भी आ गई हैं, अभी जा रही थी, ये देख रहे हैं ना आप कचरा, बहुत गंदी बात है, कचरा देख रही हूँ। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने बोला था हमने तो यहाँ से साफ करवा दिया, हमने यहाँ धकलवा दिया? उनको भी जरा बुलाइए, आप उनको फ़ोन लगा के बुलाइए, क्योंकि वो क्या, वो नेता लोग हैं ना, वो जुम्मा जुम्मा उठ जाते, बहुत बड़ी बात है, तो उनको ही बुला के बैठा। यहाँ के शहर के आमदार को बुलाइए ना, क्या किया है उसने, यहाँ के शहर के आमदार के वो चमचे लोगों को बुलाइए, आंदोलन कर रहे हैं ना। आपने भी यहाँ से मित्तल से हटवाया था ना कचरा, यहाँ सोसाइटी से भी हटवाया था, वहाँ है कचरा, मैंने जहाँ से उठवाया था वहाँ कचरा दिख रहा है आपको, एक कचरा वहाँ डाल दे कोई, यहाँ से भी हटवाने की जिम्मेदारी नहीं, आप भी तो राजनीति कर है ना। लेकिन क्या है पता है, हम तो कार्यकर्ता है ना, हम तो छोटे मोटे नेता है, लेकिन जो 14 साल 15 साल से जो आमदार है, 15 साल से जो यहाँ के नगर सेवक है थे, वो लोग कहाँ है, वो लोग कहाँ है, वो हम लोग ही सब करें, ये खाली अनशन करेंगे और बिल्डर लोग को धमकाएंगे, ये लोग कहाँ है? हाँ बिल्डर लोग को ये लोग धमकाने का काम करेंगे, बाहर का नेता आके बोलेंगे अरे चलो चलो आने वाला है, इधर बुलाइए ना, यहाँ बिठाइए, यहाँ अनशन करवाइए, यहाँ बिठाइए, यहाँ कचरे के लिए मत बोलिए। आप भी जिस शाखा के समर्थन में यहाँ खड़ी थी, बस 10 कदम दूर है शाखा आपकी, कितनी बदबू यहाँ से वहाँ आ रही है। अभी ये मेरे को लगता है कल से डाला हुआ है, ये आज या कल से डाला हुआ है, और मैं पहली बार यहाँ से गुजर रही हूँ, हटूंगी ना तुरंत उसको चिल्लाऊंगी, या मैं बोलूंगी मैं वहाँ बैठती हूँ करके, क्योंकि क्या है शहर में ना बहुत सारी बातों को घुमाने वाले हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती हूँ और लोगों के लिए काम करती हूँ, आप लोग से अभी आगे जाऊंगी और पहला फ़ोन करके बोलूंगी कचरा अभी के अभी हटना चाहिए करके, क्योंकि शहर में सुबह से शाम हो गया है पूरा कचरा यहाँ पर पड़ा, कोई है भी नहीं। मैंने गाड़ी भी स्लो किया, आपको ही देख के मिली क्या हुआ करके, और आपने पूछ लिया है,
और लेकिन इंशाल्लाह जैसा आपसे हटूंगी पहला इस पे आवाज़ उठाऊँ। तो आपने सुना कि ये कचरा जो है इस किस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है और लोगों को आने जाने में भी तकलीफ हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। मुमरा शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, मित्तल के पास से तो वहाँ लेटर दिया जाता है तो वहाँ से हटाया जाता है, फिर यहाँ डंप किया जाता है, जबकि यहाँ भी MIM पार्टी के लोग हड़ताल किए थे, उसके बाद शायद उन्हें लिखित में दिया गया था कि यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कचरा डाला जा रहा है और कचरा भी यहाँ डाला या उठाया भी नहीं जा रहा है। जो गार्डन बनाया गया था कि ये सुंदरीकरण किया जा रहा है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों ने लाइव आकर दिखाया भी कि यहाँ गार्डन बन गया, अब कचरा नहीं डंप किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें फिर वैसे की वैसे ही हैं। ना किसी मुमरा शहर के नेताओं को, शहर वालों को फिक्र है, ना ही जो यहाँ के नेता हैं उनको फिक्र है कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। सिर्फ लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैदान में आते हैं और दिखावे का काम करके वापस चले जाते हैं।